हरे कृष्णा। आज है 22 अगस्त और दिन की शुरुआत हो गई है। मैंने आप लोगों के कमेंट पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। आप लोगों ने सपोर्ट कहा कि मतलब फैमिली और हेल्थ और एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच समझने के लिए। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के कमेंट पढ़ के। तो हम और अच्छे से ज़्यादा मेहनत करके कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए ब्लॉग ला सकें कैसे भी करके। हाँ, वो बाकी चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। और भाभी का हेल्थ अपडेट ऐसा है कि भाभी की सेहत ठीक है, बहुत इम्प्रूवमेंट है। बस उनको वीकनेस हो चुकी है क्योंकि उनको वॉमिटिंग हुई थी उस बीच, वॉमिटिंग के साथ हो जाती है। बाकी उनका डॉक्टर फिर कंटिन्यूस चेकअप कराएंगे अभी फिर से और अच्छे से। मतलब इमरजेंसी वाला हुआ था अभी तक, अब प्रॉपर उनके चेकअप होंगे सारे। और मैं अभी अभी आई हूँ दवाइयाँ लेकर, मम्मी की दवाई। मम्मी को भी डायबिटीज़ है तो उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। देखो दवाई का पोथरा लेके बैठे हैं, ये ढेर सारी दवाइयां हैं मम्मी की। तो अब इनका मैं क्या कर रही हूँ ताकि मम्मी कोई गलत दवाई ना खा लें। जो पुरानी दवाइयां थी जो चेंज हुई उनको हटा रही हूँ, और जो अभी फ़िलहाल करंटली वो दवाई खाएंगी उनको उसको डब्बे में फिक्स कर रही हूँ ताकि उनसे कोई गलती ना हो। मम्मी थोड़ी कभी कभी गड़बड़ कर जाती है, अगर उनके में कोई एक्स्ट्रा दवाई रहती है उन्हें लगता है शायद खानी है तो वो एक दो बार ये सब गलती से खा गई हैं। तो ऐसे करके उनकी सारी दवाइयाँ हटा देंगे। और अब मम्मी ने भी थोड़ा सा मुझे बताया कि उनके पैरों में इम्प्रूवमेंट है पहले के कंपैरिजन में। उनको पहले बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह होने लगा था, जैसे सूज रहा हो पैर पर, सूजन नहीं होती थी, पर अब उनको इम्प्रूवमेंट हुई। चलो अच्छा है, सब ट्रैक पे आ रहे हैं वापस से। चलो उनकी दवाई सेट कर देते हैं। हाँ, मैंने व्लॉग बहुत लेट शुरू करा है, 2 बजे मेरा पूरा दिन वहीं दवाइयों के चक्कर में निकल गया। तो हम जा रहे हैं कंप्यूटर क्लास, नींद आ रही है काफ़ी। इसको तो घर नींद आती ही रहती है। मुझे ना कंप्यूटर क्लास के टाइम पे ही भूख लगती है, कंप्यूटर क्लास के टाइम पे ही नींद आती है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। आलस आने लगता है क्योंकि मैं क्लास से आती हूँ तो फिर थोड़ी देर लेट हूँ, मेरे को आलस आता धीरे धीरे। और इस टाइम तक दूसरी क्लास का टाइम, कितने मेहनती बच्चे हैं हम। चलो चलते हैं यार क्लास, बाय। कंप्लीट लग रही है, बस लिखते लिखते वाह और नाम में गड़बड़ हो गई। जीवन बचाएं, स्टॉप प्लास्टिक यूज। ये अच्छा लग रहा है ना। तो क्लास ओवर हो गई है, बैक टू आवर ओल्ड शेड्यूल। अब जाएंगे हम चाय पियेंगे, कामनी बनाएगी चाय, ठीक तू खप ठीक, भाभी को नहीं पिलाएंगे, खुद खुद पियेंगे। उनकी बंद अब बंद खाना, बंद उनका स्पाइसी फूड बंद। अब जियो भैया उबले खाने पे भाई। लेकिन नहीं यार, अपनी हेल्थ में ना ध्यान देना चाहिए सबको ऐसे। हाँ मैं तो डर गया, दे दे पूरी ना और मैं छोड़ना डर गया। गुरु अपनी बटसारी गई गई दीदी गई दीदी गई। बुरी तो भी हो जाएगा तो गोली लग गया। तो आप क्या करोगी है? तो हम बुरिया फेंक देंगे ना। बुरिया हम तुझे फेंक देंगे और उसको रख लेंगे, ठीक है? ठीक है बुरी। बुरी कह रहा है यार कह क्या रहे हो तुम, कछु समझ ना आई है तुम कहा कहे तो कछु समझ। हमने खाना खा लिया है और हम हो गए हैं फ्री एकदम। और दवाई है ये भी खानी ना पहले, ठीक है?
मौसी को दी दवाइयाँ समझानी है कि कौन सी मेडिसिन किस टाइम कब लेनी है। हरे कृष्णा गाइस, देखो मेरी आंखों से तुमको लग रहा होगा कि मेरी बीमारी जो है वो हल्की हल्की सी है, मतलब मेरे अंदर अभी थोड़ी सी वीकनेस है और मेरे पैरों में कमजोरी है, लेकिन मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी, पूरी तरह से फिर से नाचने लगूंगी। ओके, तो हम आपसे बाद में मिलते हैं क्योंकि मैं कर रही हूँ अभी पढ़ाई, तो मुझे अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट करनी है, मीन्स पढ़ना है, अपना क्लास का होमवर्क कंप्लीट करना है, फिर हम आप सबसे मिलेंगे। बुरी बाय बोलो सबको थोड़ी देर के लिए कि हम फिर से मिलेंगे। बाय गाइस। हम भूल गए थे ब्लॉग एंड करना, तो हम आधी रात में जाके हैं, फ्लैश लाइट जलाई है, ब्लॉग एंड कर रहे हैं। गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए, ना तो हुक्म ना बिना आंखों वाले आप देख रहे हैं। तो कल मैंने पूछा था तुलसी महारानी के बारे में, तो एक ही कमेंट आया, ज़्यादा तो आया नहीं, तो तुलसी महारानी को हमें द्वादशी के दिन नहीं छूना चाहिए, ना ही उनके पत्र तोड़ने चाहिए। जब मैंने पहले भी बताया संडे वगैरह का कुछ नहीं होता, क्योंकि अब टेक्निकली खुद सोचो, जब पुराने समय में कैलेंडर तो बहुत न्यू चीज आई है ना, पहले तो नहीं था ना, तब थोड़ी ना संडे वगैरह कुछ मनाए जाते थे, तब यही तिथि वगैरह देखी जाती थी, तो द्वादशी वाले दिन होता है कि पत्ते नहीं तोड़ने होते हैं, ना ही उनको छूना होता, लेकिन पानी उनको हर दिन देना होता, ऐसा कोई दिन नहीं होता जिसमें उन्हें पानी देना मना हो। तो ठीक है, आज का व्लॉग इतना ही, बाकी कभी और बात करेंगे। बाय बाय, हरे कृष्णा, गुड नाइट, हरी बाय।